हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जूडी सेंट्रल डॉट कॉम ऑनलाइन क्लासेस फॉर लॉ एग्जाम्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ दी लेटेस्ट शेड्यूल फॉर पीजी एडमिशन इन डीयू। और ये जो शेड्यूल जो आया है बिल्कुल नया आया है, तो आज मैं आपको बताऊंगी। जैसे काफी आप में से काफी लोग मुझसे बार बार ये सवाल पूछते हैं कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैं उसी के बारे में ही डिस्कस करूंगी कि आपके जो थ्री कट ऑफ लिस्ट, जो थ्री मेरिट लिस्ट जो आएंगे वो कब कब आएंगे। तो इसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है वो डीयू ने ऑलरेडी अपने वेबसाइट पे शेयर कर दिया है। आप चाहे सो यू कैन ऑल्सो विजिट टू देयर वेबसाइट कॉल www.du.ac.in। वहां पे जाके आपको आपका क्लास शेड्यूल भी मिल जाएगा इनकेस इफ यू आर टेकिंग एडमिशन इन डीयू एलएलएम प्रोग्राम। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं दैट दी योर क्लासेस विल कमेंस फ्रॉम 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स। तो 1 दिसंबर से आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे पीजी के। पीजी का मतलब सारा एग्जाम्स डीयू का, एंड एलएलएम इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट। तो अब आपको ये बता दूं सबसे पहले कि मैंने इससे पहले एक सेशन लिया था जिसमें आई ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वायर फॉर गेटिंग एडमिशन इन दिस प्रोग्राम। तो मैंने आपको क्या क्या बताया था मैं फिर से दोहरा देती हूँ, दैट यू नीड योर एडमिट कार्ड, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, उसके बाद योर ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म, देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट, देन कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, कास्ट सर्टिफिकेट लाइक SC ST OBC EWS और अदर कैटेगरीज लाइक CW एंड PWD। तो इस कैटेगरी में इफ यू आर फॉलोइंग देन यू नीड टू प्रोड्यूस अ लेटेस्ट सर्टिफिकेट, मतलब बिल्कुल करेंट एकेडमिक ईयर का होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है दे आर ओनली वैलिड बिटवीन फाइनेंशियल ईयर, एंड योर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1st of April दिस ईयर एंड इट विल एंड ऑन 31st of March द नेक्स्ट ईयर। तो इसके बीच में अगर आपका सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है एंड यू टेकिंग एडमिशन इन बिटवीन दिस पीरियड, देन यू नीड नॉट टू मेक अ न्यू सर्टिफिकेट। अगर आपको एक्सपायर हो चुका, जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज कि आपने बनाया हो 2019 to 2020, वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है क्योंकि दी करेंट ईयर इज 2021। तो अभी आपको 2021 से 2022, दैट मीन्स यू नीड टू प्रोड्यूस द कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2021 to 2022। तो अगर आपने नहीं बनाया है तो मेक श्योर आप इसको बनवा ले अपने नियर बाई SDM ऑफिस में जाके या तहसील ऑफिस में जाके, वो आप देख लीजिए और उस हिसाब से आपको इसे लेकर जाना है। देन यू नीड 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, दैट मीन्स आपको 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको अपने साथ लेकर जाना है। देन योर 10th सर्टिफिकेट जो कि ये प्रूफ करता हो कि योर डेट ऑफ बर्थ, बिकॉज 10th सर्टिफिकेट इज एक्चुअली एन एज प्रूफ। और उसके साथ साथ आपको ले जाना है आपका जो सेमेस्टर के एग्जाम्स के जो जो मार्कशीट थे, लाइक इफ यू डन योर 3 years LLB कोर्स, देन यू नीड टू प्रोड्यूस 6 semester मार्कशीट्स, एंड इफ यू हैव डन 5 years LLB कोर्स देन यू नीड टू प्रोड्यूस योर 10 semester मार्कशीट। मतलब हर सेमेस्टर के जो मार्कशीट आपको मिले हैं वो आपको वेरिफिकेशन पे दिखाना पड़ेगा डीयू में जाके। और उसके साथ ये रही आपके, मैंने आपको बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाना है, एड्रेस प्रूफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि व्हाट इज कॉल्ड एन कैरेक्टर सर्टिफिकेट। एक बार फिर मैं दोबारा बता देती हूँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज नथिंग बट एक सर्टिफिकेट जो कि विच इज एक्चुअली इश्यूड बाय योर एरिया SDM और फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर, और एनी गेजेटेड ऑफिसर, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि DU किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से ले लेती है जो कि आपके जान पहचान का हो। और आपका फॉर्मेट क्या रहेगा मैं बता दूं, ऐसे लिखिए, जैसे सपोज मैं अपना बता रही हूँ, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट आई डॉटर ऑफ सो एंड सो, रेसिडेंट ऑफ सो एंड सो, बियर्स अ गुड मॉरल कैरेक्टर एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव शी इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटी। अगर मान लीजिए अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटी अगर कोई भी गेजेटेड ऑफिसर अगर नहीं मतलब सर्टिफाई करना चाहता है, सो डोंट वरी, आप बस इतना लिखवा दीजिए कि ही और शी बियर्स अ गुड मॉरल कैरेक्टर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव। नीचे आप जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी होगा उसका सिग्नेचर होगा, डेट प्लेस डाल के आप बस ले आइए, और इसका डेजिग्नेशन भी आप लिखो
लिखवा के लाइए कि ताकि ये पता चल सके कि ये जो सर्टिफिकेट है ये किसी गेजेटेड ऑफिसर ने ही इश्यू किया है, और उसके साथ साथ स्टैंप लगवाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये रहा आपके सर्टिफिकेट का, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। और उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ही आई मीन इट्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज आवर चैनल इज नाउ मोनेटाइज्ड, वी हैव जस्ट कंप्लीटेड 4,000 वॉच आवर्स। मतलब कल ही मुझे यूट्यूब से ये ईमेल मिला और उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि जूरी सेंट्रल हैज कंप्लीटेड 4,000 वॉच आवर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, और मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को मैक्सिमम लोगों के बीच शेयर करें। और अभी अपकमिंग में जैसे एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे UKPSC APO का जो कि 21 नवंबर को होने वाला है, वी आर ऑल्सो टेकिंग सेशन फॉर दैट। तो और यहाँ पे आपको तो पता ही है, जो जो लोग इतने मतलब कि कम से कम इट टुक मोर देन 1 ईयर टू रीच दिस माइलस्टोन, तो इसीलिए अब जो जो लोग मुझे फॉलो कर उनको पता ही है कि LLM का सब कुछ मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे UPSC APO का, चाहे जुडिशियरी एग्जाम का हो, सबका यहाँ पे हम क्वेश्चन पेपर आपको फ्री में सेशन के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं फ्री में प्रिपरेशन करना, और काफी लोगों ने तो जामिया LLM को मतलब कि क्लियर भी किया है हमारे वीडियोस के थ्रू, DU में भी शायद हो, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और वैसे तो बहुत सारी जगह में तो लोग क्लियर करते ही हैं, एंड वी हैव सो मेनी वीडियोस, वी हैव आई मीन लाइक आई कांट टेल यू कि मैंने क्या क्या सेशंस लिए हैं, क्योंकि इतने कम टाइम में बोलना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका एकेडमिक सेशन का, कि आपका शेड्यूल मैं बता दूं कि आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो किस डेट को रिलीज होने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू देयर नोटिफिकेशन, सो द डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट विल बी रिलीज्ड ऑन 17th of November 2021, जो कि बुधवार पड़ता है। तो 17 नवंबर को आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज होने वाला है। एंड फॉर योर काउंसलिंग लेट मी टेल यू, इट विल बिगिन फ्रॉम 18 नवंबर 10 AM ऑनवर्ड्स, एंड इट विल गो टिल 22nd of November 5 PM। मतलब 18 नवंबर के 10 बजे से आपका जो पहला मेरिट लिस्ट जो निकलेगा उसकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, जो एडमिशन प्रोसेस है इन प्लेन एंड सिंपल लैंग्वेज, और वो चलेगा 22 नवंबर 5 बजे तक। तो आपके पास एनफ टाइम है आपका डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का और सब कुछ। और आपको अगर पेमेंट की बात करूं तो आपको बस एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, जैसे 22 नवंबर तक, जैसे अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाना है, उसके बाद आपका 23 नवंबर को 1 बजे तक का ही बस टाइम है आपके आपके पास फीस सबमिट करने का। तो हालांकि फीस का तो अभी तक इन्होंने कुछ बताया तो नहीं है, लेकिन इफ आई टॉक अबाउट दी लास्ट ईयर, ये आपका होने वाला है फीस का, अगर मैं बता दूं तो इस बार 5725। और अगर वो DU के अगर वो ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट है, जैसे कि अगर उन्होंने DU से अगर LLB किया है, तो उनके लिए कुछ 5500 समथिंग अराउंड है एज फार एज आई कैन रिकॉल। तो इतना ही आपको देना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट की। तो आपका जो सेकेंड मेरिट लिस्ट जो आएगा वो आएगा 26 नवंबर 2021, दैट मीन 26th of November 2021 को आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट रिलीज होने वाला है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द काउंसलिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, ये रहेगा आपका 27th नवंबर फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड्स टिल 30th नवंबर 5 PM। तो मतलब 27 से लेके 30 नवंबर तक का आपके पास टाइम है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सबमिट करना है, और 5 बजे तक का टाइम है। अगर मैं बात करूं कि कब तक आपको अपना फीस जमा करना है, इट इज जस्ट द सेम टिल इट इज एक्चुअली 1st of December 2021 टिल 1 PM। तो जगह अगर मान लीजिएगा 30 नवंबर तक अगर आपको अपना सेकेंड मेरिट लिस्ट के बेसिस पे अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो नेक्स्ट डे जो कि 1st दिसंबर आता है, उसके 1 बजे तक ही आपको फीस सबमिट करना है। तो ये हुई सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात, हम थर्ड मेरिट लिस्ट की बात करते हैं। सो ये थर्ड मेरिट लिस्ट विल बी रिलीज्ड ऑन 3rd of December 2021। तो 3rd of December 2021 को आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट आने वाली है। अब हम बात करते हैं वेरिफिकेशन का, कब तक का टाइम दिया गया है, ये है 4th December 10 AM, मतलब कि 4 दिसंबर को 10 बजे से लेकर, एंड इट विल गो ऑन 6 दिसंबर टिल 5 PM। तो ये रहा आपका वेरिफिकेशन करवाने का डेट।
और अब मैं पेमेंट की बात करूं तो एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है, वो है 7th of December 2021 टिल 1 PM, अगेन द सेम। तो मतलब आपको एक दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट सबमिट करना है, तो इसीलिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास काफी सारी दिक्कतें होती है, एंड दे आई मीन दे हैव दिस डिफिकल्टी टू अरेंज द मनी एट अ प्रॉपर टाइम। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको, अगर ऐसा अगर आप सिचुएशन में आ जाते हो, तो मेक श्योर कि आप अभी से ही अरेंजमेंट करना शुरू कर दें, क्योंकि लास्ट में आपको बस एक दिन का टाइम मिल रहा है, और अगर आप नहीं लेते तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है। तो इसीलिए आप एक बार कोशिश कर ले, क्योंकि इन्होंने अगर शेड्यूल में दे दिया है तो दे जस्ट फॉलो द सेम, एंड इन केस इफ यू आर देविंग दे आर गिविंग एक्स्ट्रा टाइम देन इट इज वेल एंड गुड फॉर यू। तो अब मैं फिर से दोहरा देती हूँ, आपका जो पहला मेरिट लिस्ट आएगा इट विल बी रिलीज्ड ऑन 17th of November 2021, सेकेंड मेरिट लिस्ट विल बी रिलीज्ड ऑन 26th of November 2021, एंड थर्ड मेरिट लिस्ट विल बी रिलीज्ड ऑन 3rd of December 2021। और मैं क्लासेस की बात करूँ, हालांकि ये कह रहे हैं कि 3rd December तक भी आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आ सकता है, लेकिन आपकी क्लासेस जो है इट विल कमेंस ऑन 1st of December 2021। तो बहुत लोग, अगर इफ यू फॉलोइंग न्यूज पेपर एंड अदर मीडिया सोर्स द सेम ड्यू हैज ऑलरेडी क्लियर इट, एंड द सेम शेड्यूल दे हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन देयर वेबसाइट, आप वेबसाइट में जाके भी चेक कर सकते हैं, और 1st December से ही इनका शुरू होने वाला है, ऐसा डीयू का कहना है। तो ये रहा, मैंने आपको सारा बता दिया इस सेशन में, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आई होगी। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड अगर कोई भी अगर क्वायरीज, डाउट्स, अगर कुछ भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी अगर लगती है किसी से रिलेटेड, सो यू कैन कमेंट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और जो लोग अगले साल की तैयारी करें उनके लिए मैं बता दूँ कि आई हैव ऑलरेडी डन अ सेशन ऑन द सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ दिस ईयर LLM एंट्रेंस एग्जाम, विच इज ऑलरेडी देयर ऑन माई चैनल। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कट ऑफ, जो कि काफी ज्यादा मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, वो भी मैंने शेयर किया है अपने सेशन पर। मैं हमेशा इसके ऊपर कुछ ना कुछ नया लाती रहती हूँ, और उम्मीद है कि जो जो लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं वो उनका हो जाए यहाँ पे एडमिशन, क्योंकि ऑफकोर्स आई मीन इट्स वन ऑफ द प्रेस्टिजियस लॉ फैकल्टी, और DU की बात है तो DU में तो एडमिशन लेने के लिए क्या कहते हैं कि हर स्टेट्स के बच्चे तो मतलब सबसे ज्यादा यहीं पे फोकस है कि दिल्ली में ही आके पढ़ाई करेंगे, खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो आई होप हु एवर हैज यू नो वर्क हार्ड टू सिक्योर एडमिशन हेयर, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज। तो इसी नोट के साथ मैं आज का ये सेशन यहाँ पे खत्म करती हूँ। सो गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।